और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें, नक्सली हमले में 15 जवानों के शहीद होने की खबर है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ है, नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया है, और ये एक दुखद खबर जहां पर 15 जवानों के शहीद होने की खबर है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की ये घटना, आईडी ब्लास्ट किया गया जिसमें पुलिस की गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया गया। 15 जवानों के शहीद होने की खबर इसमें मिल रही है। गढ़चिरौली में आपको बता दें कि 24 घंटे में यह दूसरा नक्सली हमला है। तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से यह घटना, 24 घंटे के भीतर भीतर अगर देखें तो यह दूसरा बड़ा धमाका है। 15 जवान जो हैं इसमें शहीद हो गए हैं। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें कोशिश की जा रही है कि तुरंत से तुरंत उनको प्राथमिक उपचार दिया जा सके। लेकिन महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ये आईडी ब्लास्ट नक्सलियों द्वारा जो किया गया, पुलिस की गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया गया। पिछले 24 घंटे में ये दूसरा बड़ा नक्सली हमला है जिसमें 15 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया है। आईडी ब्लास्ट का इस्तेमाल इसमें किया गया, 15 जवान इसमें शहीद हो गए, कई इसमें घायल भी हुए हैं। अब इलाके में उसके बाद वहां कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें, नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को उड़ा दिया है जो वहां से उस वक्त गुजर रही थी। 15 जवान इसमें शहीद हो गए हैं, कई घायल भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में यह दूसरा नक्सली हमला है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं घटना के बाद की, कि किस तरह से जब यहां से पुलिस की वो गाड़ी, वो वैन वहां से गुजर रही थी, उसमें जवान सवार थे, लेकिन इस बीच आईडी ब्लास्ट के जरिए पुलिस की गाड़ी को उड़ा दिया जाता है। सुभाष शिरके इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और विस्तार से जानकारी देने के लिए। सुभाष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस घटना के बाद? ये एक बड़ा हमला है पिछले 24 घंटे में अगर देखें दूसरा। देखिए, कुरखेड़ा नाम का इलाका है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, जो नागपुर से तकरीबन 150 किलोमीटर के दूर है, और यहाँ पर ये हादसा हुआ है। C-60 के जवान जो है वो कुरखेड़ा की तरफ जा रहे थे नागपुर से, और उनका निजी गाड़ियों में जा रहे थे और इस निजी गाड़ियों को उड़ा दिया है। और इससे जो तकरीबन वहां पे गाड़ियों में 25 जवान थे, उसमें से 10 जवान के गंभीर रूप से जख्मी होने या फिर उनको हताहत होने की खबर यहाँ पे अभी नागपुर में मिल रही है। अभी तक किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है आधिकारिक रूप में, ना ही महाराष्ट्र के जो गृह मंत्रालय है उन्होंने पुष्टि की है, ना ही नागपुर का जो एंटी नक्सल ऑपरेशन का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इसकी पुष्टि की है। लेकिन जो लोकल हमें जो खबरें मिल रही है वो 10 जवान के शहीद होने की खबर हमें मिल रही है। जो जिस तरह से ये हादसा हुआ है, 24 घंटे पहले यहाँ पर गाड़ियां जलाई थी, 30 गाड़ियां जलाई थी, जो सरकारी गाड़ियां थी कॉन्ट्रैक्टर की, वो गाड़ियां जलाई थी नक्सलवादियों ने। और उस ठीक है, फिलहाल शुक्रिया सुभाष शिरके इससे तमाम जानकारी के।